हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डीआईवाई। इसमें मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, देखिए, गार्डनिंग 101 बाय बबीता। तो मैंने इसको कैसे बनाया है, और बिल्कुल ही लो कॉस्ट है। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं किया है, बहुत ही कम खर्च में मैंने बनाया है वेस्ट मटेरियल को यूज करके। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने लिया है, ये मेरा एक चॉकलेट का खाली डब्बा है, हार्ट शेप है इसकी। आप देखिए, आपके पास कोई भी कंटेनर अवेलेबल हो जिसमें आप बना सकते हैं, तो उसी शेप का आप ले सकते हैं, जैसी आप शेप बनाना चाहते हैं। ये हार्ट शेप का लिया है, और मैं इसमें सीमेंट घोल के डालूंगी और फिर इसे ड्राई करने के लिए रखूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें व्हाइट सीमेंट डाला है और फिर इसको ड्राई कर लिया है। और एक मैंने बनाया है ये रेक्टेंगल शेप का, छोटा सा कंटेनर था मेरे पास, उसमें मैंने सीमेंट डाल के इसको बनाया है, और ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही इजीली ये उस कंटेनर में से निकल गए हैं जिसमें मैंने इन्हें बनाया था। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं, और उल्टी तरफ से देखते हैं इनकी, यहाँ से शेप इनकी काफी ब्यूटीफुल सी है। तो जो हम इनको बनाएंगे, तो हम इसी तरफ जो है इसकी, इसको फ्रंट साइड रखेंगे अपने। ये देखिए, यहाँ की फिनिशिंग काफी अच्छी है। ये देखिए, अब हमें इन्हें करना होगा पेंट अपने मनचाहे हिसाब से, जैसा आप पेंट इन पे करना चाहते हैं। तो चलिए पहले इन पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं। पहले इस पे हम करेंगे ऑरेंज कलर। देखिए, मैंने ले लिया है ऑरेंज कलर। ये देखिए, एक हो गया है मेरा पेंट। अब मैं कर लेती हूँ दूसरे को भी। ये देखिए फ्रेंड्स, पेंट होके कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। अब मैं दूसरे वाले को भी कर लेती हूँ पेंट। ये देखिए, ये दोनों पेंट कर लिए हैं मैंने, और ये वाला जो है मेरा स्क्वायर वाला, सॉरी रेक्टेंगल वाला, इसको मैं करूंगी ग्रीन कलर से। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने पेंट कर लिया है और ड्राई भी कर लिया है। ये देखिए, और अब मैं इसके ऊपर लिखूंगी अपने चैनल का नाम। आप चाहे जो लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इस पे अपना चैनल का नाम लिख लिया है। ये देखिए, और ये बनके पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे एक रो में लगाना है। देखिए हम किस तरीके से लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ पर नाड़े से इसको फिक्स कर दिया है अच्छे से। देखिए आप किस तरीके से मैंने इसको किया है नीचे तक, और बीच में मेरे पास ये कुछ राखियां पड़ी हुई थी, तो मैंने इन्हें डिजाइन के लिए यहाँ पर लगा दिया है दोनों को। और ये बिल्कुल अब सूख कर रेडी हो गया है। चलिए इसे दिखाते हैं सीधा करके एक बार। ये देखिए, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। चलिए हम इसे उठा के दिखाते हैं आपको सीधा करके। ये देखिए, जब ये हैंग होगा तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा फ्रेंड्स। और ये मेरे चैनल की एक नेम प्लेट बन गई है। चलिए इसे हैंग कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, मैंने इसे अपने गार्डन की वॉल पर हैंग कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे मेरा गार्डन है और यहाँ पे ये वॉल है इसकी गार्डन की। अब बहुत ब्यूटीफुल ये लग रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का DIY? अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ, मिलती हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।